अब देखिए, प्रकाश राज जैसे कई लोग हैं भारत में इस समय जिनको कि अब आदत पड़ चुकी है सरकार की आलोचना करने की। उठते बैठते अगर ये लोग दो बार सरकार की आलोचना ना कर दें तो शायद इन लोगों का खाना हजम नहीं होता होगा। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि सरकार की नीतियों के विरोध में बोलना एक फैशन सलीका बन चुका है। मतलब अगर आपकी थोड़ी बहुत भी पहचान है, थोड़े बहुत भी बड़े आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको सरकार के विरोध में बोलना ही चाहिए, तभी आपके उस इन्फ्लुएंसरपन के ऊपर एक ठप्पा लगेगा, तभी लोग ये कहेंगे कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तभी लोग ये कहेंगे कि आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान हैं। अगर आपने सरकार के विरोध में जाकर कुछ नहीं बोला तो लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े अनपढ़ हैं, गंवार हैं और यहाँ तक कि आप अंधभक्त भी हैं। जबकि भक्त तो एक बहुत डिवाइन वर्ड होता है जो कि हमारे पुराणों से चला हुआ आ रहा है, कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी भक्त शब्द को आज की डेट में कुछ इस तरीके का बना दिया गया है कि लोग इसको एक हेटेड गाली की तरह से देखने लगे। बहरहाल ये सब चीज़ें हो गई बस इसकी। अब देखिए क्या हुआ, कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को संबोधन दिया। इस संबोधन को देते हुए वो भावुक हो गए, उनके आंसू निकल गए। अब उनके जो आंसू निकले वो क्यों निकले, क्योंकि वो उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बात कर रहे थे जिनको जिन लोगों जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, जिनके अपने यहाँ हैं, अपनों ने अपनों को खो दिया है, कई संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, तो इसके ऊपर वो थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने बात कही अपनी। लेकिन बात वही आ जाती है कि इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों ने इसके ऊपर भी चुटकी लेने का मौका छोड़ा नहीं और बस मीम्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन चलिए ठीक है, मीम्स बनाना तो फिर भी एक क्या बोलते हैं कला हो चुकी है आजकल, लेकिन किसी के ऊपर सीधे तौर पर ताना मारना वो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़झाल लगता है। अब पिछले कुछ समय से प्रकाश राज जो है वो लगातार मोदी सरकार की नीतियों की, सिर्फ कोविड की नहीं बल्कि उसके पहले भी कई समय से प्रकाश राज नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के धुर विरोधी रहे हैं। वो किसी भी मंच पर बैठते हैं वहाँ से नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में बुराई करना बिल्कुल भी नहीं बोलते। अब उन्होंने नरेंद्र मोदी के वाराणसी को दिए संबोधन में जो वो रोए थे उसके संबोधन में उन्होंने एक ये वीडियो शेयर किया। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखें। रात भर वो जागते रहे, उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। अब इस वीडियो को देखकर आपके मन में भी यही सवाल आएगा कि भैया ये वीडियो शेयर करने का क्या मतलब था। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रकाश राज साहब ने जो लिखा है वो मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताता हूँ, जिससे कि भाई बाद में बात इधर उधर ना हो। इन्होंने ट्वीट किया कि ग्रेट परफॉर्मेंस डिडंट हैपन ओवरनाइट, टाइमिंग, पॉजेस, इंटोनेशंस, बॉडी लैंग्वेज नीड्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रेजेंटिंग टू यू आर ओन बाल नरेंद्र, जस्ट आस्क हिम। तो यहाँ पर इन्होंने बाल नरेंद्र कहते हुए नरेंद्र मोदी का ये वाला वीडियो जो है वो शेयर किया और इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। मतलब इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये था कि ये सब सिर्फ एक्टिंग है और कुछ भी नहीं, एक प्रकार ढोंग है और कुछ नहीं। अब देखिए, प्रकाश राज जैसे कई लोग हैं भारत में इस समय जिनको कि अब आदत पड़ चुकी है सरकार की आलोचना करने की। उठते बैठते अगर ये लोग दो बार सरकार की आलोचना ना कर दें तो शायद इन लोगों का खाना हजम नहीं होता होगा, तो इसीलिए ये लोग चलते फिरते और कुछ करते नहीं करते लेकिन सरकार की आलोचना ज़रूर कर देते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रकाश राज ने ये सब आलोचना करने का जो दौर है शुरू क्यों किया। दरअसल 2007 में उनकी एक बहुत करीबी जर्नलिस्ट थे जिनका कि नाम था गौरी लंकेश, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ गौरी लंकेश, इनकी हत्या कर दी गई थी और ये सरकार से कई सारे सवाल पूछ रहे थे। उन सभी दौर में इनकी हत्या हो गई, उसके बाद कई सवाल पूछे गए, सरकार ने इसको लेकर कुछ ठीक से ठोस तरीके से जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने मतलब पीएम मोदी की जो चुप्पी थी उसके ऊपर प्रकाश राज ने सवाल भी उठाए। और देखिए होता है, कोई इंसान जब किसी एक सरकार की किसी एक हरकत से, वो भी जब उस खास इंसान से जुड़ी हो, उससे चिढ़ जाता है तो फिर उसको सिर्फ बुराई बुराई दिखती है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही। तो यही कुछ प्रकाश राज जी के साथ भी हो रहा है। इसके बाद उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि उनको कई जगहों से धमकियाँ भी मिली, उनको बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया, इस तरह कई आरोप उन्होंने लगाए। और अब बस गाड़ी यूँ ही चल रही है, सुबह शाम दो बार वो बढ़िया बुराई करते हैं, उनकी तबीयत सही रहती है। अब न जाने इस चीज़ को शेयर करके प्रकाश राज को क्या हासिल हुआ है, लेकिन हो सकता है उनकी आंतरिक जो एक कुंठा है उसको जरूर शांति मिली होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।